वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। मेरा नाम तलवीर सिंह है और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सैम्पलिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये रिसर्च का भी पार्ट है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है। तो मैंने इसीलिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड है वो यूनिट्स एक साथ स्टार्ट की हैं ताकि आपकी दोनों तरफ से अच्छी प्रेपरेशन हो जाए और एटलीस्ट इन यूनिट्स में से आप कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना करें। तो इस वीडियो को प्लीज बहुत ध्यान से देखें। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैम्पलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इसके सारे कंसेप्ट आप समझ लोगे तो इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इसके फंडामेंटल्स में कंफ्यूज रहोगे। तो मैं सैम्पलिंग पे 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। पहला सैम्पलिंग के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग होता क्या है या इसमें क्या होता है, और दूसरी वीडियो वो भी मैंने शूट की हुई है उसमें मैं हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, उनके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पॉज करें, उसके बाद खुद सॉल्व करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए कि आपके कितने में से कितने मार्क्स हैं वो आए हैं, मतलब 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। तो अभी से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप अभी से प्रेपरेशन अच्छे से सीरियस होके कर दें, क्योंकि लास्ट में डेज में जाके उतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं होती। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल इज अ पोर्शन ऑफ डैश पॉपुलेशन दैट इज कंसिडर्ड फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। क्या है कि सैंपल पोर्शन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अगर इस यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स को आप बाहर निकाल दो तो वो क्या हो जाता है, वो होता है सैंपल। ये है हमारी पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल है वो सैम पॉपुलेशन है और जो आप निकाल रहे हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या है, आपकी सैंपल है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी बॉडी में बहुत सारा ब्लड है, जो टोटल ब्लड है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया हमारा पॉपुलेशन, और उसमें से जो हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं हमारी बॉडी के डायग्नोस के लिए या हमारी बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में जानने के लिए, तो हम थोड़ा सा खून है थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो इसका मतलब सैंपल किसका रिप्रेजेंट होता है, टोटल पॉपुलेशन का, मतलब जितनी पॉपुलेशन है आपके बॉडी में जितना ब्लड है वो सारे को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट मीन्स द क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज टोटल। ठीक है जी। सेकेंड देखते हैं। द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द डैश शुड बी द सैंपल साइज। अभी देखो अगर यहाँ पर 100 लोग हैं और यहाँ पर 1000 की पॉपुलेशन है, तो अगर आप यहाँ पर 10 लोगों को निकाल लोगे सैंपल के तौर पे तो वो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, बट अगर आप यहाँ पर 10 लोगों को निकालोगे तो इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो आप रेशियो देखिए, यहाँ पर 1:1:10 है और वहां यहाँ पर 1:100 है, तो इसका मतलब ये रिलायबल है बट ये रिलायबल नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही साइज इंक्रीज होगा, लार्जर होगा, तो आपका सैंपल साइज भी क्या होना चाहिए, लार्जर, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना बड़ा आपको सैंपल लेना चाहिए अगर आप उस चीज को ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल इज टू ड्रा डैश अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैंपल का, देखो कंक्लूजन नहीं निकालना होता, कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं देखने होते और पैरामीटर भी नहीं देखने होते, हमने क्या निकालना होता है, इन्फेरेंस। मैं आपको यहां पर इन्फेरेंस का मतलब बताता हूं। इन्फेरेंस का मतलब जब आप कोई लॉजिक लगाते हो, ठीक है जी, लॉजिक प्लस कोई मेथड यूज करते हो, कोई लॉजिक लगाते हो कोई मेथड यूज करते हो प्लस आपके पास कुछ प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है, इन 3 चीजों को मिला के क्या बनता है, इन्फ्रेंस। मतलब जब आपके पास कोई प्रूव है किसी चीज को प्रूव करने का, आपके पास लॉजिक है और आपके पास मेथड है, जब इन 3 चीजों को आप कलेक्ट कर देते हो कंबाइन करते हो तो दैट बिकम्स इन्फ्रेंस। तो हमारे सैंपल लेने का मतलब या सैंपल का पर्पज क्या होता है, उस पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस लेना, क्योंकि हम मेथड भी लगाते हैं लॉजिक भी लगाते हैं और हमारे पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इट मस्ट बी ट्रूली बी
तो अब देखिए, फॉर अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक सैंपल एक पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसको सही रूप में रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? फिक्स नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए और कैजुअल भी नहीं होना चाहिए, ये चाहिए रैंडम। क्योंकि जब आप रैंडमली कुछ चीज निकालते हो तो दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो किसी भी चीज में से जब आप, तो ब्लड को भी आप रैंडमली कहीं से भी निकाल ले सकते हो ना, तो वो हमारी बॉडी के जितना भी ब्लड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सैंपल साइज इज टू स्मॉल, इट मे नॉट डैश रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स एज इट इज नोन, दस लीडिंग टू इनकोरेक्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब देखिए, मैंने पहले बताया था कि अगर तो यहां पर 100 लोग हैं तो 10 लोग निकालोगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, बट अगर यहां पर 1000 लोग हैं और आप उसमें से 10 लोग निकालोगे तो ये आपके सही रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वही बात लिखी है, इफ द सैंपल साइज इज टू स्मॉल, ये केस है, 100 में से आप 10 लोगों को, 1000 में से 10 लोगों को निकाल रहे हो, तो वो इट मे नॉट डैश रिप्रेजेंट, मतलब अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस पॉपुलेशन को। क्योंकि अगर 1000 में से 10 निकाल रहे हो तो हो सकता है वो अच्छे से रिप्रेजेंट ना करें, बट अगर 100 में से 10 निकाल रहे हो तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हुआ? अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ समरी मेजर्स दैट डिस्क्राइब एनी गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। देखो, वीडियो देखा था लास्ट, मैंने बताया था कि पॉपुलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, पैरामीटर, और स्टैटिस्टिक्स को कौन, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स को, सैंपल को कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको याद कराया था, पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताता है, हमारे पैरामीटर। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स किसके बताता है, सैंपल के। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटिस्टिक्स एंड पैरामीटर इज कॉल्ड। तो देखो, यहां पर आपके पैरामीटर है और इसमें दूसरी तरफ है हमारा स्टेटिस्टिक्स, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। मतलब अगर ये तो सेम है तो हमारे सैंपल में कोई एरर नहीं है, बट अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स देर इज अ सैंपल, सॉरी, देर इज अ सैंपल एरर इन द यू नो सैम्पलिंग, जो हमने सैम्पलिंग की है या सैंपल निकाला है उसमें कोई ना कोई हमने एरर लगा दिया है, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सर्वेड इट इज कॉल्ड। तो देखो, सारी यूनिट्स मतलब टोटल पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हो, तो रैंडम सैंपल भी नहीं होगा, रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं होगा, सैंपल पॉपुलेशन भी नहीं होगा, दैट इज कंप्लीट एम्यूनरेशन, मतलब कंप्लीट वर्ड आ गया ना, तो मतलब ऑल यूनिट्स, तो मतलब इसे हम कंप्लीट बोलते हैं, जिसे हम सेंसस भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंसस। जब आप हर यूनिट को स्टडी करते हो तो दैट इज कॉल्ड सेंसस, जब आप कुछ यूनिट्स निकालते हो तो वो बन जाता है हमारा सैंपल। ठीक है जी, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। तो किसी भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है इसका स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी, इसके स्टैंडर्ड एरर को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप याद रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स स्टैंडर्ड एरर, एस से स्टैंडर्ड एरर, एस से स्टैंडर्ड डेविएशन और एस से सैंपलिंग, इस तरह से आप इसका निमोनिक्स बना के इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एंड इज। देखो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, रैंडमली जब आप रैंडमली चूज करते हो, प्रोबेबिलिटी का मतलब, सैंपलिंग का मतलब जिस सैंपल में हर यूनिट की इक्वल चांस होता है आपको उसको सिलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक बैग है, उसमें चार बॉल्स हैं, अलग अलग कलर की हैं, तो जैसे आप उसमें हाथ डाल के कोई भी बॉल निकालोगे तो इसका मतलब जो चार बॉल्स हैं उन सभी की पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कोई भी बाहर आ सकती है, तो दैट मीन्स दिस इज रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है तो उसमें जो हम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक तो नॉन होती है और क्या होती है, नॉन जीरो होती है, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है जी, हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से ज्यादा होगी, नॉन जीरो का मतलब ऑलवेज जीरो से ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी देखो, स्टैंडर्ड एरर मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग, है ना, यही बताया था। और जो सैंपलिंग एरर था, सैंपलिंग एरर वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। प्लीज यहां पर कंफ्यूज नहीं होना,
जो सैम्पलिंग और पैरामीटर में डिफरेंस होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर में, वो क्या होता है, वो सैंपल होता है, सैंपलिंग एरर, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड एरर। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो स्टैंडर्ड एरर की एक पॉसिबिल जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने जाएंगे, मैं यहाँ ये नहीं प्रूव करूंगा कि ये पॉजिटिव क्यों होता है, बस आपने ये बात याद रखना है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ना तो इक्वल टू वन होता है, ना ही जीरो होता है, और ना ही नेगेटिव होता है। इट विल बी पॉजिटिव ऑल द केस, मतलब हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी, आई होप कि यहां तक आपको काफी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, जैसे 100 लोग हैं, आपने उसमें से 10 लोगों को बाहर निकाल दिया। ये जो 10 लोग हैं ये कौन है आपके, ये आपके हैं सैंपल, ठीक है जी, मतलब ये 10 लोग इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारी पॉपुलेशन। तो आपको ये तो पता है कि जो टोटल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी पॉपुलेशन, और जो उसमें से रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स निकालते हैं वो होता है हमारा सैंपल। अब सिंपल सी बात है, सैंपल निकाला उसको क्या बोलेंगे, सैंपलिंग। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि जब सैंपल निकाला तो वो क्या हो गया हमारा, सैंपलिंग। और जो प्लान होता है, सैंपलिंग प्लान मतलब आप सैंपल को क्या कर रहे हो, एक तरह से डिजाइन कर रहे हो, मतलब डिजाइन करना, किसी चीज को डिजाइन कैसे किया जाता है, उसको एक्चुअल ऑपरेट करने से पहले उसको डिजाइन किया जाता है, एक तरह से उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो जो सैंपलिंग का ब्लूप्रिंट होता है उसे क्या बोला जाता है, सैंपलिंग डिजाइन। ठीक है, ना तो पॉपुलेशन डिजाइन होगा, ना ही सैंपलिंग फ्रेम हो सकता है, और ना ही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये यूनिट्स ये सारे क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में या इससे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। बट अब देख सिंपल सी बात है, सैंपल निकाला किससे, पॉपुलेशन से, वो क्या हो गया सैंपलिंग, और इसका जो डिजाइन है वो क्या हो गया, सैंपलिंग डिजाइन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो अभी देखो मैंने इससे पहले बताया आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैंपलिंग वो क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड एरर, वो हमेशा क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड एरर। और जो हमारा सैंपलिंग एरर होता है, सैंपलिंग एरर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा, सैंपलिंग एरर। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसी भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो अब यहां पर सिंपल सी बात है, अगर इस आपकी पॉपुलेशन 100 की है और इसमें से आप 10 यूनिट्स निकालते हो, तो देखो ये 100 जो है ये तो आपकी टोटल पॉपुलेशन होगी, और ये जो 10 है वो क्या होगा, आपका सैंपल हो गया। लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक सैंपलिंग फ्रेम। आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे आपने सपोज किसी सिटी में आपने कुछ सर्वे करना है और उसके लिए आपको लोगों का एक डिटेल चाहिए, तो ये डिटेल क्या होगी, सपोज आपने टेलीफोन डायरेक्टरी ले ली। अब टेलीफोन डायरेक्टरी में से आप सभी चीजों को यूज नहीं करोगे, सपोज उसमें 10,000 लोगों के नेम और एड्रेस और फोन नंबर लिखे हुए हैं। प्लीज इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, आपने एक टेलीफोन डायरेक्टरी ली और उसमें 10,000 लोगों के नंबर लिखे हुए हैं, तो अब उसमें से आपने सपोज 100 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो 100 है वो तो आपका हो गया सैंपल, और ये जो 10,000 यूनिट्स थी जिनको आपने सर्वे किया या जो आपके पॉपुलेशन का पार्ट थी, वो क्या हो जाएंगी आपकी, सैंपलिंग फ्रेम, मतलब एक फ्रेम लगी हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं और उसमें से आपने कुछ चूज करने हैं। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो मेरा तो यही तरीका है कि मैं हर चीज को बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक फ्रेम लगी हुई है, वो फ्रेम क्या है आपकी, पॉपुलेशन, उसमें बहुत से लोग हैं। अब जितने लोग हैं वो क्या है आपकी, सैंपलिंग फ्रेम, मतलब उस फ्रेम में जितने भी लोग हैं, दैट इज सैंपलिंग फ्रेम। इस तरह से आप उस चीज को याद रख सकते हो। अ पॉपुलेशन अबाउट विच वी वॉन्ट टू गेट सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो उस पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है, दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट मतलब जिस पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हो, टारगेट किसके लिए कर रहे हो, वी वॉन्ट टू गेट सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब किसी से इंफॉर्मेशन लेंगे तो पहले उसको टारगेट करेंगे, तो दैट इज नोन एज टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है जी, फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब जिसमें आपको पॉपुलेशन का पता होता है, कि जैसे 100 लोग हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो,
इनफिनाइट पॉपुलेशन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, सैम्पलिंग पॉपुलेशन कोई नहीं होती है, और टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए ये एक और टाइप आ गया, द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिपीटेड ट्रायल्स इज नेम्ड एज। देखो ना तो फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट होगा और ना ही रियल पॉपुलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। क्योंकि हाइपोथेटिकल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर ट्रायल्स हैं वो रिपीट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, जितनी बार रिपीट करना चाहो तो रिपीट करोगे। अगर आप इतनी बार किसी चीज को रिपीट करोगे तो डेफिनेटली ना तो वो रियल बनेगी और ना ही वो टारगेट बनेगी, तो दैट विल बिकम द हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी व्हाट शेप, ये इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि उसकी शेप कौन सी होती है, बाइनोमियल होती है, फ्लैट होती है, पॉजिटिवली सिक्यूड होती है और नॉर्मल होती है। तो देखो ये सारे कंसेप्ट मैंने सिक्यूनेस और कुर्टोसिस में डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा हूँ जिसकी दोनों साइड्स पे 0.5 और 0.5 होता है। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, मतलब उसकी शेप होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है, क्योंकि आपको जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा नोन रहती है। तो दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि आपने उसमें से रैंडमली कुछ चूज करना होता है, तो रैंडमली तभी चूज कर सकते हो जब आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ डिपेंडेंट वेरिएबल रेफर्स टू, वैसे तो ये मैंने पहले बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज हुआ तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा, जैसे डिमांड एंड प्राइस। तो यहां पर जो प्राइस है वो क्या है और डिमांड क्या है, तो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो उससे क्या होगा, डिमांड पर इम्पैक्ट होगा। तो इट मींस प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिमांड है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। तो अब देखिए, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे बाय द रिसर्चर, अ वेरिएबल विद अ सिंगल वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता, इसको तो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते हैं। अ वेरिएबल विच शोज अस इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशन, ये देखिए आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हो ना, जो आपके हाथ में है उसमें आपने मैनिपुलेशन किया और उसका इम्पैक्ट कहां पर देखने को मिला, दूसरे वेरिएबल पर। किस वेरिएबल पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जिस वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं वो तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से जब दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द लार्जर द सैंपल साइज द ग्रेटर द सैंपल एरर। ये तो हो ही नहीं सकता, जब सैंपल साइज बड़ा है तो फिर एरर ज्यादा कैसे हो सकता है। दूसरा है, द मोर कैटेगरीज और ब्रेक डाउन यू वॉन्ट टू मेक इन योर डाटा एनालिसिस द लार्जर द सैंपल नीडेड। नेक्स्ट, द फ्यूअर कैटेगरीज और ब्रेक डाउन यू वॉन्ट टू मेक इन योर डाटा एनालिसिस द लार्जर द सैंपल, एज द सैंपल साइज इंक्रीज सो डज द साइज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल की यहाँ पर कोई बात नहीं है, और फर्स्ट भी रिड्यूस खत्म होगी और फोर्थ भी रिड्यूस होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, आप एक पॉपुलेशन है, यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर एक पॉपुलेशन है, आप उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो इसका मतलब क्या है, जब पहले आपने 10 सैंपल्स लेने थे पूरी पॉपुलेशन के, बट आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये 10 है वो कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो अब आपको कितने सैंपल लेने पड़ेंगे, 50। तो इसका मतलब जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है दैट इज द राइट चॉइस, मतलब जैसे जैसे आप अपने डाटा को ब्रेक डाउन करते हो उसमें जितनी न्यू कैटेगरीज बनाते हो तो आपका जो सैंपल साइज है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डज द सेंसस ब्यूरो टेक्स अ कंप्लीट पॉपुलेशन काउंट। तो इसका सिंपल सा बात है कि जनगणना जिसे हम सेंसस बोलते हैं वो कब होता है, वो आपको पता है कि हर 10 साल बाद होता है। अभी पहला कहाँ हुआ था, 2011 में, अभी नेक्स्ट कब होगा, 2021 में। तो वो क्या होता है, सेंसस, वो कोई सैम्पलिंग नहीं होता, वो सेंसस होता है, क्योंकि उसमें इंडिया के हर बंदे को कवर किया जाता है, तो जब हर यूनिट को कवर किया जाएगा दैट इज कॉल्ड सेंसस। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सैम्पलिंग के फंडामेंटल्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हुई हो, आपको सारे कंसेप्ट समझ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के मेथड्स और उसके साथ रिसर्च की टर्मिनोलॉजी का थर्ड जो वीडियो है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।